मित्रों नमस्कार। चंद्रा इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है और मैं हूं सीपी सर। आज हम लोग चर्चा करेंगे इतिहास की। इतिहास में भी आपको पता है कि इतिहास में हमको तीन इतिहास पढ़ना पड़ता है, जैसा कि आपको पहले वाले वीडियो में, यानी कि जो हमने एक सिलेबस का वीडियो दिया था कि हमको कैसे कैसे क्या पढ़ना है, तो उसी वीडियो में इतिहास एक पार्ट था। तो इतिहास में हमको तीन इतिहास पढ़ना है। एक प्राचीन इतिहास है जिसको एंशियंट हिस्ट्री कहते हैं, फिर मिडिल काल पढ़ना है, मध्यकालीन भारत या मध्यकालीन जो इतिहास है, और आधुनिक भारत, और आधुनिक भारत के साथ साथ स्वतंत्रता संघर्ष भी हमको पढ़ना है। तो इतिहास वाला थोड़ा पार्ट थोड़ा बड़ा है, लेकिन एक एक पार्ट से भी काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हर प्रश्न को हमको, जो भी प्रश्न पूछे जाएँ उस वो प्रश्न हम आसानी से कर ले जाएँ, इसलिए सिलेबस को कम्प्लीट करना अनिवार्य है। सिलेबस को हमको ढंग से पढ़ना है। तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से समझिएगा। ये हमने एक डेमो वीडियो तैयार किया है आपको इस समझ के लिए कि हमारी क्लासेस या हमारे क्वेश्चन कैसे होंगे, क्या हम पढ़ें, किन किन चीज़ों पर ज़्यादा फोकस करें, कहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा बन सकते हैं। इस तरीके से क्वेश्चन हम यदि तैयार करेंगे तो हम निश्चित रूप से UPPCS 2020 को अचीव कर लेंगे। और दूसरी चीज़, हमको क्या नहीं पढ़ना है ये भी पता होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे बच्चे देखता हूँ कि वो बहुत मेहनत करते हैं लेकिन डायरेक्शन सही नहीं रहता, उनकी दिशा गलत रहती है और गलत दिशा में मेहनत कर जाते हैं। तो जितना मेहनत उनका जितना करते हैं उस हिसाब से मेहनत के अकॉर्डिंग जो है वो परिणाम प्राप्त नहीं कर पाते और बेचारे धीरे धीरे हताश निराश होने लगते हैं कि लगता है कि नहीं, अब जो है हमारे बस का नहीं है, बहुत मेहनत किया और तब भी नहीं कर पाया, इसका मतलब है कि निश्चित रूप से हम नहीं कर पाएंगे। तो ऐसी हताशा न आने पाए, सही डायरेक्शन में और सही दिशा निर्देशन में यदि आप तैयारी करेंगे तो निश्चित रूप से अपने टारगेट को अचीव कर लेंगे। तो इस टॉपिक में हमने चर्चा किया है कांस्ययुगीन सभ्यता की, और कांस्ययुगीन सभ्यता क्या होती है इसको चर्चा करेंगे। इसके पहले की थोड़ी सभ्यताओं की हम अलग से चर्चा करेंगे कि कांस्ययुगीन सभ्यता पर हम कैसे पहुँचे, इसको एक ग्राफ के द्वारा हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि जब मानव सभ्यता ने विकास, मानव ने जन्म लिया और धीरे धीरे वो समाज में आना शुरू हुआ या समाज का निर्माण करना शुरू हुआ, उसके पहले वो आखेटक जीवन जीता था। आखेटक जीवन में वह पत्थरों के औजार बनाता था, उससे वह शिकार करता था। तो जब तक वह इस युग में था, यानी पत्थरों के द्वारा औजार बनाकर वह शिकार करना और अपना पेट पालना, ये था, उसको हम पाषाण युग कहते हैं या पाषाणकालीन संस्कृति कहते हैं, उसी को हम पाषाण युग कहते हैं। इसके बाद जैसे मानव स्थिर हुआ, स्थिर होकर वह गुफाओं में कंदराओं में रहना शुरू किया, धीरे धीरे खेती की तरफ उन्मुख होना शुरू किया, एक जगह जो है स्थिर होकर के वह अनाज बोना शुरू किया, यानी कि नई प्रक्रिया में या नई प्रक्रिया को यदि पाषाण युग से वह बाहर आता है तब वह नई प्रक्रिया अपनाता है और कृषि काम करना शुरू करता है। जब वह अस्थाई रूप से, जब तक इस युग में था तब तो एक निरंतर घुमंतु एक उसकी इस जीव उसका जीवन था, निरंतर घूम रहा होता था इस घाटी से उस घाटी, नदियों में, इस गुफा से उस गुफा में, इस तरीके से एक जो है निरंतर घुमंतु प्राणी की तरह वो बराबर चलता था। लेकिन जब वह कृषि कार्य करना शुरू कर देता है तब उसमें के जीवन में स्थिरता आती है, और कृषि के साथ साथ तब वह कुछ धातुओं का प्रयोग करता है। तो सबसे पहले जिस धातु का वह प्रयोग करता है वह है तांबा। तो इसीलिए जब वह तांबा का पहला प्रयोग करता है, जब वह तांबे का पहली बार प्रयोग करता है तब उसे हम ताम्रयुगीन सभ्यता कहते हैं या ताम्रयुग कहते हैं, इसी को हम चारकोलिथिक एज इसी को हम कहते हैं। मानव ने सबसे पहले कौन से धातु का प्रयोग किया, तो आपका उत्तर क्या होगा, सबसे पहले वह तांबे का उपयोग किया। तो जब पाषाण युग से वह विकसित होकर इस युग में पहुंचा तो तांबे का भी प्रयोग करना शुरू किया, यानी कि ऐसा नहीं है कि केवल तांबे का उपयोग किया, तांबे और पाषाण दोनों, ताम्र पाषाण युग कहा जाता है इसीलिए इसको चारकोलिथिक एज कहा जाता है, क्योंकि पाषाण के साथ साथ वह तांबे का भी प्रयोग करता है। फिर धीरे धीरे जैसे जैसे ज्ञान उसका बढ़ता जाता है, दृष्टिकोण उसका बदलता जाता है, ज्ञान के नवीन साधन वह अर्जित करते जाता है, नई तकनीक की ओर उसका जो है वह अग्रसर होता है, तब वह तांबे के साथ साथ टिन को मिला करके एक नई धातु का निर्माण करता है जिसको कांसा या कांस्य कहते हैं। अब तांबे के साथ साथ इसमें टिन मिला करके वह किसका उपयोग करना शुरू करता है,
कांसा बनाना शुरू कर देता है। तांबे और टिन को मिलाकर वह जब कांसा बनाता है तो कांसी, अब जब वह इस युग में आ जाता है कि वह दो धातुओं को मिक्स करके एक धातु बनाने का काम करने लगता है, तब इसकी अपेक्षा वह ज़्यादा विकसित हो जाता है और इस सभ्यता को हम कांस्ययुगीन सभ्यता कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें वह तांबे वाले युग से वह बाहर आ जाता है, से आगे निकलता है और तांबे और टिन का बराबर उपयोग करके एक नई धातु बनाता है, जिसे कांसा कहते हैं, या किसे इस युग में जो कांसे का प्रयोग करते हैं इसी को हम कांस्ययुगीन सभ्यता कहते हैं। और इस युग की सभ्यता में सिंधु घाटी जो सभ्यता हमारी थी, सिंधु घाटी की सभ्यता यानी सिंधु के लोग ताम्र युग के बाद की स्थिति है। तांबे के साथ साथ टिन का मिक्स उपयोग करते थे, कांसे का उपयोग करते थे, इसीलिए सिंधु घाटी की सभ्यता को कांस्ययुगीन सभ्यता कहते हैं। कौन सी सभ्यता कहते हैं? कांस्ययुगीन सभ्यता। यानी जो आपका टॉपिक है ये कांस्ययुगीन सभ्यता, इसमें आप समझ गए होंगे कि हम किस सभ्यता की बात करेंगे। तो आप समझ गए होंगे कि कांस्ययुगीन सभ्यता का नामकरण हम क्या करते हैं। तो कांस्ययुगीन सभ्यता में किसके को रखते हैं, तो आप समझ गए होंगे कि कांस्ययुगीन सभ्यता में सिंधु सभ्यता की चर्चा हम करेंगे, या सिंधु घाटी की सभ्यता को कांस्ययुगीन सभ्यता कहते हैं। तो चलिएगा, अब इसका नामकरण जो सिंधु घाटी की सभ्यता है, इसका भी नामकरण केवल सिंधु घाटी की सभ्यता नहीं है। पहले इसका नाम था सिंधु सभ्यता, फिर सिंधु घाटी की सभ्यता, और फिर बाद में हड़प्पा सभ्यता इसका नामकरण किया गया। लेकिन ये तीनों नामकरण देखिएगा अलग अलग कारणों से हुआ है। इनका नामकरण तीनों, यानी सिंधु घाटी की सभ्यता यानी कांस्ययुगीन जो सभ्यता है उसको हम सिंधु सभ्यता भी कहते हैं, सिंधु घाटी की सभ्यता कहते हैं और हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। तो ये कब कब क्यों ऐसा कहते हैं इसकी भी हम थोड़ी चर्चा करेंगे। क्योंकि सबसे पहले सिंधु सभ्यता में जो एक तरीके से उत्खनन हुआ, तो सिंधु सभ्यता में सबसे पहले हम हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, इन दो घाटियों का, दो स्थानों का हमको पता चलता है, और उसमें भी सबसे पहले हड़प्पा का पता चलता है। क्योंकि सबसे पहले हड़प्पा इस सभ्यता में सबसे पहले जो नगर प्राप्त हुआ था या जिसकी जानकारी हुई थी वह हड़प्पा नगर की हुई थी, इस कारण तो इसका नाम पड़ा क्या, हड़प्पा सभ्यता। इसका नामकरण इसलिए पड़ा कि हड़प्पा जो था वह पंजाब के पाकिस्तान वाले जो पंजाब प्रांत है पाकिस्तान का, उसमें एक जिला है मांट गोमरी पंजाब का, पाकिस्तान वाले पंजाब के मांट गोमरी जिले में रावी नदी के बाएं तट पर, कौन सी नदी के, रावी नदी के बाएं तट पर हड़प्पा नामक एक टीला था। इस टीले को 1726 ईस्वी में चार्ल्स मेरसन ने सबसे पहले यह बताया कि एक टीला है, यहाँ कुछ ऐसी सभ्यता हो सकती है, विकसित हो सकती है, हो सकता है कोई जो है यहाँ कोई सभ्यता रही हो। इसका जो है उल्लेख उन्होंने 1826 ईस्वी में किया था, लेकिन उसके बाद ज़्यादा उस पर ध्यान नहीं दिया गया। इसका ध्यान 1921 में तब पहुँचा जब भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के महानिदेशक जॉन मार्शल ने के निर्देशन में राय बहादुर दयाराम साहनी ने इसका उत्खनन कार्य किया, इसका जो है उत्खनन कार्य करवाना शुरू किया 1921 में। जब इसकी परतें हटाई जाने लगी धीरे धीरे, तो पता चला कि यहाँ तो एक बड़ी सभ्यता विकसित थी पहले, और वहीं से क्योंकि सबसे पहले इस पूरी सभ्यता में जो सबसे पहला नगर खोजा गया था वो हड़प्पा था, इस कारण से उस सभ्यता का नाम रखा गया हड़प्पा सभ्यता। धीरे धीरे इस सभ्यता के अन्य जो नगर थे वो सिंधु नदी जो थी पाकिस्तान में, उसके आसपास के क्षेत्रों में, सिंधु नदी के आसपास के जो एरिया थे, इलाके थे, उसमें इन सभ्यता के अवशेष प्राप्त होने शुरू हुए, तब इसका नाम रख दिया गया सिंधु सभ्यता। और सिंधु सभ्यता जो नामकरण किया था वो किया था जॉन मार्शल ने ही इसका नामकरण किया था। जॉन मार्शल ने ही सबसे पहले इस सभ्यता का नाम सिंधु सभ्यता किया, क्योंकि सिंधु नदी के आसपास के इलाके में इस सभ्यता के नगर अवशेष प्राप्त हुए। बाद में सिंधु घाटी की जितनी सहायक नदियां थी उन सहायक नदियों के किनारे भी इसके इस सभ्यता के अवशेष प्राप्त होना शुरू हुए, तब इसका नाम बदलकर सिंधु घाटी की सभ्यता कर दिया गया। क्या कर दिया गया? सिंधु घाटी की सभ्यता। और इस तरीके से हड़प्पा सभ्यता, सिंधु सभ्यता और सिंधु घाटी की सभ्यता, ये तीनों नामकरण
अलग अलग टाइम में प्रचलित रहे, और लेकिन नामकरण में तीनों को हम समानार्थी अर्थों में ही लेते हैं। जब भी हड़प्पा सभ्यता की बात हो तब पूरी सिंधु घाटी की सभ्यता का उल्लेख होना चाहिए, या सिंधु घाटी की सभ्यता हो या सिंधु सभ्यता हो तब भी हम इसी सभ्यता की बात करते हैं। तो नामकरण भले तीनों किया जाता है लेकिन आपको समझना यही सभ्यता इसी सभ्यता के बारे में है। अब थोड़ी चर्चा करेंगे कि सभ्यता कब विकसित हुई थी, इसका काल निर्धारण कब हुआ था, इस पर थोड़ी चर्चा किया जाए, तब हम विशेष चर्चा करेंगे इसके काल निर्धारण यानी कि इसका टाइम कब था। हालांकि इसका टाइम निर्धारित करना तो थोड़ा कठिन था, ये भी कि एकदम एग्जैक्ट टाइम इसका क्या था, इस पर भी विवाद था। लेकिन चूंकि किसी चीज़ पर यदि विवाद हो तो उसमें एक सर्वमान्य मान्यता को मानना या स्वीकार करना पड़ता है, क्योंकि जब तक आप स्वीकार एक सामान्य मान्यता को या एक सार्वभौमिक सत्य को नहीं मानेंगे तब तक कुछ न कुछ उस पर विवाद चलता रहेगा। तो चूँकि सबसे पहले इसका जो काल निर्धारण किया था वो जॉन मार्शल महोदय ने ही इसका काल निर्धारण भी किया था। उन्होंने बताया था कि एक सभ्यता जो है लगभग 3250 ईसा पूर्व से लेकर 3250 ईसा पूर्व से लेकर के और 2750 ईसा पूर्व के बीच यह सभ्यता विकसित हुई थी, ऐसी मान्यता किसकी है, जॉन मार्शल महोदय की, जो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के क्या थे, डायरेक्टर थे, महानिदेशक थे। इसके बाद अर्नेस्ट मैके एक इतिहासकार थे, यूरोपीय इतिहासकार थे, उन्होंने भी इसका नाम निर्धारण किया और बताया कि जो ये सभ्यता है यह सभ्यता 2800 ईसा पूर्व से लेकर 2300 ईसा पूर्व के बीच विकसित हुई होगी, ऐसा अर्नेस्ट मैके मानते हैं। इन सब जो तथ्य हैं इसको थोड़ा हमको याद भी रखना होगा कि किसने कब माना है, क्योंकि कभी कभी इनके काल निर्धारण को भी मान लिया जाता है कि मान लीजिए किसी इतिहासकार को दे दिए कि इन्होंने सिंधु घाटी की सभ्यता का काल निर्धारण कब किया है, कितने समय के लिए किया है, तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। तो अर्नेस्ट मैके ने कहाँ तक माना है, 2800 ईसा पूर्व से माना कि 2300 ईसा पूर्व के बीच जो है यह सभ्यता विकसित। अर्नेस्ट मैके ने इसका जो निर्धारण किया है कालक्रम का वो 2800 ईसा पूर्व से लेकर के 2300 ईसा पूर्व के बीच में इसका समय निर्धारित किया है। माधव स्वरूप वत्स ने इसका जो निर्धारण किया है यानी कि सिंधु घाटी की सभ्यता का जो समय रहा वो समय था 3500 ईसा पूर्व से लेकर के 2700 ईसा पूर्व के बीच, ऐसा माधव स्वरूप वत्स जो है ये मानते हैं कि ये टाइम इसका रहा है। मार्टिमर व्हीलर मानते हैं कि इसका जो टाइम था वह समय था 2500 ईसा पूर्व से लेकर के 1500 ईसा पूर्व के बीच, ये समय था मार्टिमर व्हीलर मानते हैं सर। लेकिन कार्बन डेटिंग मेथड यानी कि कार्बन 14 जिसे हम कहते हैं C14 के द्वारा ये पता चला कि सिंधु घाटी की सभ्यता का जो समय था ये समय था 2500 ईसा पूर्व से लेकर के 1750 ईसा पूर्व के बीच, ये समय कार्बन डेटिंग मेथड के द्वारा यानी कार्बन 14 के द्वारा ऐसा माना जाता है। और यही टाइम जो है सबसे ज्यादा यही सर्वमान्य भी है, क्या है ये, यही सर्वमान्य है यानी कार्बन डेटिंग मेथड के द्वारा जो टाइम बताया गया है कि सिंधु घाटी की सभ्यता का जो समय था वह समय 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व के बीच में रहा होगा, तो यही जो टाइम है यही सर्वमान्य टाइम माना गया है। सिंधु घाटी की सभ्यता के जो लोग थे वो कौन थे, इस पर भी बड़ा विवाद है। तो चलिए एक टॉपिक इसको भी देखते हैं कि सिंधु घाटी की सभ्यता के जो लोग थे वो कौन थे। तो ये कौन थे इस पर भी बड़ा विवाद है, क्योंकि इस पर कई जितने विद्वान हैं कोई एक मत नहीं है कि ये कौन थे। विवाद का कारण क्या है कि ये विवाद क्यों है कि ये मोहनजोदड़ो के जो नरकंकाल प्राप्त हुए हैं उन नरकंकालों का जब अध्ययन किया गया, उनकी खोपड़ियों का जब अध्ययन किया गया, तब पता चला कि जो मोहनजोदड़ो के नरकंकाल प्राप्त हुए हैं उन नरकंकालों की जब खोपड़ी का अध्ययन किया गया तब पता चला कि मोहनजोदड़ो में मिश्रित जनजाति या मिश्रित जातियां रहा करती थीं, जिसमें कुछ प्रोटो ऑस्ट्रेलाइट थे, जिसमें भूमध्यसागरी प्रजाति के भी लोगों के अवशेष जीवाश्म प्राप्त हुए हैं, यानी खोपड़ी से पता चला है कि इनकी जो प्रजाति थी वो भूमध्यसागरी थी। अल्पाइन प्रजाति के लोगों की भी नरकंकाल में खोपड़ी प्राप्त हुई है और मंगोलाइड प्रजाति के लोगों की भी जो है खोपड़ी प्राप्त हुई है।
तो इस पर भी एक बड़ा विवाद है कि यहाँ पर मिश्रित जनजाति मिश्रित जातियाँ रहती थी या मिश्रित प्रजातियों के लोग जो है मोहन सिंधु घाटी की सभ्यता विशेष रूप से मोहनजोदड़ो में प्राप्त होती है। लेकिन इस पर भी एक आम राय यह बनी हुई है कि मोहनजोदड़ो के रहने वाले लोग जो है वह ज़्यादातर जो है भूमध्य सागरीय प्रजाति के लोग थे। किस प्रजाति के? भूमध्य सागरीय प्रजाति के लोग थे। अच्छा, ये प्रश्न कई बार पूछा भी जा चुका है कि मोहनजोदड़ो के जो लोग थे वो ज़्यादातर किस प्रजाति के से जो है संबंधित हैं या किस प्रजाति के लोग थे। ऐसा यदि आपके सामने प्रश्न आता भी है तो आप एक उत्तर दीजिएगा, वहाँ मिश्रित जातियाँ भले ही रहती हैं, कई लोग तो अलग अलग मानते हैं जो है तो, लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा जो सहमति बनी है वह सहमति भूमध्य सागरीय प्रजाति पर ही बनी है। तो आपको उत्तर देना है भूमध्य सागरीय प्रजाति के लोग ही वहाँ विशेष रूप से, मतलब इनकी संख्या थोड़ा ज़्यादा मिलती है, इस कारण ऐसा माना जाता है कि मोहनजोदड़ो में रहने वाले लोग भूमध्य सागरीय प्रजाति के लोग थे। तो ये तो इनका एक जीवन परिचय हुआ कि कौन थे, कहाँ से आए थे, कितना समय था, कितने समय तक हुए थे। अब थोड़ी हम चर्चा और करेंगे कि जो सिंधु घाटी सभ्यता का जो विकास हुआ था वो आज के दौर में कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ था, इसकी पूर्वी सीमा कहाँ तक है, पश्चिमी सीमा कहाँ तक है, उत्तरी सीमा कहाँ तक है और दक्षिणी सीमा कहाँ तक है। हड़प्पा के बाद लगभग 550 से अधिक जब अब तक जो है पूरा स्थल जो है सिंधु घाटी की सभ्यता के प्राप्त हो चुके हैं और इसका कुल जो विस्तार है इस घाटी का वह लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर है। यदि मतलब इतने एरिया पर सिंधु घाटी की सभ्यता किसी उस समय वह विकसित हुई होगी और इसका आकार लगभग त्रिभुजाकार है, यानी ये जो सभ्यता विकसित हुई थी ये लगभग त्रिभुजाकार आकृति में विकसित हुई थी। और इस सभ्यता की जो सबसे ज़्यादा जो स्थल प्राप्त हुए हैं वो गुजरात प्रांत से प्राप्त हुए हैं। कहाँ से? गुजरात प्रांत से प्राप्त हुए हैं। इस सभ्यता का जो कि उत्तरी जो सीमा मिलती है वो उत्तरी सीमा मिलती है जम्मू के मांडा से, यानी मांडा भी इसकी उत्तरी सीमा थी और दक्षिणी सीमा इसकी दैमाबाद में मिलती है। कहाँ? दैमाबाद में मिलती है और दैमाबाद पड़ता है कहाँ? महाराष्ट्र में। तो इसकी उत्तरी सीमा मांडा में, दक्षिणी सीमा दैमाबाद यानी महाराष्ट्र में, पूर्वी सीमा आलमगीरपुर यानी मेरठ से, कहाँ से? मेरठ से प्राप्त होती है और पश्चिमी सीमा इसका कराची के थोड़ा सा पश्चिम में स्थित है सुतकांगेदोर। तो ये सुतकांगेदोर इसकी पश्चिमी सीमा है। तो ये इसकी सीमा से भी रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है कि सिंधु सभ्यता का जो विस्तार हुआ था वो उत्तर में कहाँ तक था, तो उत्तर में आप पूछेगा तो आपको मांडा बताना है और मांडा कहाँ स्थित है? ये जम्मू में स्थित है, कश्मीर घाटी में नहीं मिला है, घाटी यानी वैली में नहीं मिला है, जम्मू में मिला हुआ है। तो मांडा इसकी उत्तरी सीमा है, दक्षिणी सीमा दैमाबाद है महाराष्ट्र में, पूर्वी सीमा आलमगीरपुर मेरठ में है और पश्चिमी सीमा इसका कहाँ है? सुतकांगेदोर जो कराची में स्थित है। लगभग त्रिभुजाकार आकृति में 13 लाख वर्ग किलोमीटर से अधिक क्षेत्रफल पर यह जो है सभ्यता विकसित हुई थी। तो इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो जब हम चर्चा करेंगे इसकी तो उसमें हम सिंधु सभ्यता के जितने विशेष महत्वपूर्ण वाले जो पुरा स्थल थे उन सारे पुरा स्थलों को विशेष रूप से देखेंगे, हड़प्पा को, मोहनजोदड़ो को, चन्नूदड़ो को, जितने भी राखीगढ़ी बनवाली जितने भी महत्वपूर्ण हैं उन सारे पुरा स्थलों को देखेंगे, वहाँ से क्या क्या चीज़ें प्राप्त हुई हैं, खोज उसकी कब हुई थी, किसने किया था, कितने हेक्टेयर पर उसका विकास हुआ है और भारत में सबसे बड़ी पूरे सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे बड़ी जो सभ्यता है वो स्थान है वो कहाँ विकसित हुआ, भारत में विशेष रूप से कौन सा स्थल है जो सबसे बड़े एरिया में फैला हुआ है, इन सब चीज़ों को और कहाँ कौन से क्या चीज़ें प्राप्त होती हैं, यहाँ की नगरीय व्यवस्था कैसी थी, वहाँ की राजनीतिक व्यवस्था कैसी थी, वहाँ की आर्थिक व्यवस्था कैसी थी, वहाँ की धार्मिक जीवन कैसे था उस समय का सिंधु घाटी की सभ्यता का, हम नेक्स्ट वीडियो में इसकी चर्चा हम डिटेल करेंगे। तो इस वीडियो में सिर्फ यह बताने की कोशिश की गई है कि आपको इन छोटे छोटे पॉइंट पर भी बहुत महत्वपूर्ण रूप से ध्यान देना होगा और न सिर्फ ध्यान देना होगा बल्कि इन छोटे छोटे पॉइंट्स को याद भी रखना होगा क्योंकि यहीं से क्वेश्चंस निकाल करके आपसे पूछ लिए जाते हैं और
छोटी छोटी चीज़ों से जब हमसे प्रश्न पूछ लिए जाते हैं तो ऐसा लगता है कि पढ़ा तो गया था लेकिन इस समय याद नहीं कर पाया, हमने ये सोचा था कि छोटा है इसको ध्यान में रखने की क्या ज़रूरत है, ऐसा नहीं पूछेगा। लेकिन इन्हीं छोटी छोटी चीज़ों को आप ध्यान में रखिएगा, निश्चित रूप से आप अच्छा करेंगे। चलिए आइए हम लोग कुछ इस टॉपिक को, जिस टॉपिक का हमने अभी डेमो वीडियो देखा है, इस डेमो वीडियो का एक कुछ क्वेश्चन मैं आपके सामने एक एग्जाम्पल के तौर पर रखूँगा कि इस तरीके इसमें इस टॉपिक से किस तरीके से आपसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। अच्छा, प्रश्न का जो लेवल होता है वो तीन तरीके का होता है, कुछ प्रश्न आसान होते हैं, कुछ मॉडरेट प्रश्न होते हैं और कुछ प्रश्न कठिन होते हैं। तो यह तीनों टाइप के प्रश्न मैं आपके सामने रखता हूँ जिससे कि आप आसान कर ले जाएँ इसको। जैसे मैं एक प्रश्न रखता हूँ, तीनों मॉडल आपको दे दूंगा प्रश्न का। तो पहला प्रश्न मैं आपके सामने रखता हूँ, पहला प्रश्न ये है कि सिंधु सभ्यता का सिंधु सभ्यता को किस युग की सभ्यता कहा जाता है? ये प्रश्न मैं आपके सामने रखता हूं। ऑप्शन सुनिएगा, प्रश्न आसान है, ये एक सरल प्रश्न का उदाहरण मैं दे रहा हूं आपके सामने। ऑप्शन ए है ताम्र पाषाणिक सभ्यता, ऑप्शन ई लौह युगीन सभ्यता, ऑप्शन सी नव पाषाणिक सभ्यता, और ऑप्शन डी कांस्य युगीन सभ्यता। क्योंकि ये प्रश्न आसान इसलिए है क्योंकि आपने पूरा वीडियोस देखा और वीडियो में ये टॉपिक ही हमने इसीलिए रख दिया था। तो इस तरीके से एक सरल प्रश्न आपके सामने आ सकता है, तो इसका उत्तर आप देखें कि सिंधु सभ्यता को कौन सी धातु के आधार पर, क्योंकि इस समय तांबे और टिन को मिलाकर क्या बनाया गया था, कांस्य बनाया गया था, और कांस्य के कारण ही इस सभ्यता को हम कौन सी धातु के आधार पर, कौन सी युग की सभ्यता मानते हैं, कांस्य युगीन सभ्यता। ये प्रश्न आसान था क्योंकि वीडियोस का टॉपिक भी यही था, कांस्य युगीन सभ्यता। अब दूसरा प्रश्न आपके सामने मैं रखता हूं जो इससे थोड़ा मॉडरेट रहेगा। ठीक, सिंधु सभ्यता का नामकरण सबसे पहले किसने किया था? इससे थोड़ा मॉडरेट प्रश्न है ये। ऑप्शन सुनिएगा, अलेक्जेंडर कनिंघम, ऑप्शन बी जॉन मार्शल, ऑप्शन सी दयाराम साहनी, और ऑप्शन डी अर्नेस्ट बर्नेट। इनमें से सही उत्तर क्या होगा, इसकी अपेक्षा यह प्रश्न अब आपको कठिन लग रहा हो। हालांकि यदि वीडियो को आपने बहुत ध्यान से सुना होगा, बहुत ध्यान से पढ़ा होगा, तो इसका प्रश्न का उत्तर दे देंगे आप। इस प्रश्न का उत्तर उसी वीडियो में है, इस वीडियो की लाइन को एक एक शब्दों को बहुत ध्यान से सुनेंगे तो यह प्रश्न उसी में छिपा हुआ है और आप देखेंगे इसका सही उत्तर था सिंधु सभ्यता का जो नामकरण सबसे पहले किया था वो जॉन मार्शल ने किया था,
जो भारतीय पुरातत्व जो सर्वेक्षण था उसके महानिदेशक थे जॉन मार्शल, उन्होंने ही सबसे पहले 1924 ईस्वी में लंदन में इसका नामकरण किया था। 1924 ईस्वी में लंदन में इसका नामकरण किया था, क्या किया था, सिंधु घाटी की सभ्यता इसे कहा था, सिंधु घाटी की सभ्यता इसका सबसे पहले नामकरण किया था। ठीक, ओके। अब इससे थोड़ा सा कठिन प्रश्न मैं एक ले लेता हूं, जो कि अपेक्षाकृत इससे ज्यादा कठिन है। जैसे प्रश्न मैं ले लेता हूं आपके सामने, तीसरा प्रश्न जो कि कठिन है, ये आसान प्रश्न है, ये मॉडरेट प्रश्न है, थोड़ा सा मॉडरेट है, इससे उसकी अपेक्षा ये कठिन है। और तीसरा जो प्रश्न मैं ले रहा हूं, यह प्रश्न इन तीन दोनों की अपेक्षा ज्यादा कठिन होगा, उसकी गणना हम कठिन प्रश्नों में करेंगे। चलिए, जैसे तीसरा प्रश्न लूंगा, जब प्रश्न नंबर तीन, तो प्रश्न नंबर तीन में मैं ये प्रश्न रख रहा हूं आपके सामने, सिंधु सभ्यता के सर्वाधिक पुरास्थल किस नदी घाटी से प्राप्त होते हैं, किस नदी घाटी से प्राप्त होते हैं। हाँ, ये तीसरा प्रश्न ऑप्शन सुनेगा, सिंधु नदी से घाटी से, ऑप्शन बी रावी नदी घाटी से, ऑप्शन सी चिनाब नदी घाटी से, और ऑप्शन डी सरस्वती नदी घाटी से। ये प्रश्न आपके सामने है, तो सर्वाधिक जो पूरा स्थल प्राप्त होते हैं वो किस नदी घाटी से प्राप्त होते हैं। यदि ऐसा प्रश्न आपके सामने आ जाता है तो आप तब क्या करेंगे, यह उसकी अपेक्षा जो आपने दो प्रश्न आगे के देखे थे उसकी अपेक्षा यह प्रश्न कठिन है, और जो लोग इसका गहराई में अध्ययन नहीं किए होंगे वो इसको नहीं कर पाएंगे। ठीक, तो चलिएगा इस प्रश्न की मैं थोड़ी व्याख्या भी करूंगा। सिंधु सभ्यता के जो सर्वाधिक पुरास्थल प्राप्त होते हैं वो प्राप्त होते हैं सरस्वती नदी घाटी से, सरस्वती नदी घाटी से। इसीलिए इस सभ्यता का नाम सिंधु सभ्यता हो, यह थोड़ा सा जो है आप देखेंगे कि यह ज्यादा उपयुक्त नहीं हो पाता, अब उपयुक्त नहीं है। क्यों? क्योंकि जब सिंधु घाटी सभ्यता का नामकरण सिंधु नदी घाटी जॉन मार्शल ने किया था, कब, 1924 ईस्वी में इसका नामकरण उन्होंने सिंधु घाटी सभ्यता किया था। आपको बता दें कि 1947 तक केवल 40 पूरा स्थल खोजे गए थे सिंधु घाटी सभ्यता के, कितने खोजे गए थे, केवल 40 पूरा स्थल खोजे गए थे, और वर्तमान समय में अब जो है कुल 1400 पूरा स्थल, ये प्रिंट मिलता है, वैसे तो माना जाता है कि 1800 से 3000 के बीच में पूरा स्थल है, लेकिन जो प्रिंट मैटर प्राप्त होता है कि लगभग 1400 पूरा स्थल इसके अब तक खोजे जा चुके हैं। तो 1400 पूरा स्थल में मैं आपको बता दूं कि 925 पूरा स्थल जो है वो भारत में प्राप्त होते हैं, और 475 पूरा स्थल ये है ये पाकिस्तान में प्राप्त होते हैं। ठीक, यदि इन पूरा स्थलों को हम नदियों के आधार पर या नदी घाटियों के आधार पर यदि हम बांटें, तो सिंधु सभ्यता के जो 1400 पूरा स्थल हैं, कितने 1400 पूरा स्थल हैं, उसमें केवल 40 पूरा स्थल सिंधु घाटी सिंधु नदी के तट पर प्राप्त होते हैं। केवल 40 पूरा स्थल कहाँ प्राप्त होते हैं, सिंधु नदी के घाटी पर प्राप्त होते हैं, और 1400 का 80% पूरा स्थल, 1400 का 80% पूरा स्थल कहाँ से प्राप्त होता है, सिंधु और गंगा के बीच, किसके बीच,
सिंधु और गंगा के बीच स्थित एक नदी है सरस्वती। सिंधु गंगा के बीच स्थित सरस्वती नदी के बीच लगभग 80% पुरास्थल इसके प्राप्त होते हैं और शेष जो बचते हैं वो अन्य नदी घाटियों से प्राप्त होते हैं। तब प्रश्न आप देखेगा कि सिंधु सभ्यता के सर्वाधिक पुरास्थल किस नदी घाटी से प्राप्त होते हैं, तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा, सिंधु और गंगा के बीच स्थित सरस्वती नदी घाटी और सरस्वती और उसकी सहायक नदियों की घाटियों से सर्वाधिक कुल 1400 का 80% जो पुरास्थल है वह इसी नदी घाटी और इसकी सहायक नदियों के से प्राप्त होता है। इसलिए सही उत्तर इसका क्या हो जाएगा, सरस्वती नदी घाटी। आया समझ में? तो ये प्रश्न का आपका स्तर रहेगा, सरल प्रश्न भी बीच में आपसे पूछ सकता है, ऐसा नहीं है कि सरल प्रश्न नहीं पूछता आयोग, सरल प्रश्न भी रख लेता है, मॉडरेट प्रश्न भी रख लेता है और कभी कभी प्रश्नों का स्तर काफी कठिन करता है। तो हमको तीनों तरीके से तैयार रखना है, सरल प्रश्न का भी उत्तर देने के लिए हम तैयार रहें क्योंकि हमेशा सरल प्रश्न से ही सिलेक्शन रुकता है। सरल प्रश्न यदि गलत हुआ तो प्रश्न आपका सिलेक्शन रुक जाएगा निश्चित रूप से। कठिन प्रश्न हो सकता है कि आपका गलत हो गया तो वो प्रश्न किसी को नहीं आ रहा होता है तो वो प्रश्न आप जो है नहीं कर पाए हैं तो दूसरा भी नहीं कर पाया होगा। लेकिन जो सरल प्रश्न आएगा इसको यदि आप गलत कर देंगे तो आप सिलेक्शन से बाहर हो जाएंगे। ठीक, तो ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि जो नए बच्चे हैं उनसे मैं कहूँगा कि वे NCERT किताब जरूर खरीद लें। NCERT का जो सामाजिक विज्ञान वाला भाग है उस थोड़े थोड़े से ही 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 तक की सामाजिक विज्ञान वाले पोर्शन को ढंग से पढ़ें, एक एक लाइन पढ़ें और मेरे वीडियोस देखें। सारे वीडियोस को मैं कोशिश करूंगा कि सारे क्वेश्चंस का जो एक सार तत्व है आपको इस वीडियो में समाहित कर दूं, अतिरिक्त कुछ देखने की ज़रूरत नहीं है। और चंद्रा इंस्टीट्यूट के द्वारा जो ये वीडियोस मैं आपको प्रोवाइड करवा रहा हूँ ये बेहतरीन वीडियो, आपको तनिक भी भटकने की ज़रूरत नहीं है। आपने कहावत सुनी है कि एक ग्रंथ और एक पंथ से मुक्ति प्राप्त होती है। बार बार ग्रंथ बदलने और बार बार पंथ बदलने से केवल व्यक्ति भटकता है, मुक्ति प्राप्त नहीं करता है। तो वही चीज़ व्यवहारिक जीवन में हमारे इस पर भी लागू होती है कि आप एक ग्रंथ और एक पंथ का मार्ग अपनाकर चलेंगे निश्चित रूप से आप क्वालिफाई हो जाएंगे। थैंक यू।